हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.3 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय गिवन मोनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स और मोनोमियल में सिंगल टर्म्स, तो हमें बहुत सारे टर्म्स को किससे करना, मोनोमियल से करना, मतलब सिंगल टर्म से करना। तो हमें 5x² - 6x को किससे करना, 3x से करना। तो हमारा क्या है, 5x - 6x को हमें डिवाइड किससे करना, 3x से करना। अब हम देख रहे हैं कि तीनों टर्म में सेम क्या है। हम देख रहे हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे, x बाहर ले लेंगे। अगर मैंने एक x बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा, 5x बचा, और यहाँ सिंपल क्या बचा, 6 बचा, क्योंकि x कहाँ गया, कॉमन आ गया। और यहाँ हमारा कितना है, 3x। देखो, x से x कट गए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5x - 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे देखो सेकेंड में 3y की पावर 8 है माइनस 4y की पावर 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 4 है और ये 4, ठीक है, और डिवाइड करना y की पावर 4 से, मीन 3y की पावर 8 - 4y की पावर 8 + 5y की पावर 4 हमें डिवाइड किससे करना है, इसको y की पावर 4 से। भाई देखो, यहाँ भी 4 है तो हम क्या करेंगे, y की पावर 4 बाहर ले लेंगे। तो यहाँ तो अगर 3y की पावर 4 बचेगा अंदर, भाई 4 तो बाहर आ गई, 4 ही है माइनस, अब यहाँ 4y की पावर 4 रहेगी और यहाँ कितना, ये 4 पावर 5 चलेगी, तो यहाँ 5 बचा, और नीचे हमारे वाई की पावर कितनी है, 4 है, तो 4 ये पूरा कट गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3y की पावर 4 - 4y की पावर 4 और +5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट है। अब देखो, हमें 8x³y² + x² y³ + x² y³ + x² y² + z³ और डिवाइड करना 4x² + 8z² + z² y² + z². देखो हमारा क्या है, 8x³y² + x² y³ + x² y² + z² इसको हमें किससे करना, वेल 4x² y² और z² अब देखो इसमें सब में स्क्वायर तो है ही, तो हम क्या करेंगे, 8 और x² y² और z² अंदर बाहर ले लेंगे कॉमन। अब देखो x² यहाँ x³ है तो यहाँ बचेगा x, y² बाहर आ गया, z² बाहर आ गया, प्लस x² बाहर आ गया, y यहाँ बचेगा क्योंकि यहाँ क्यूब है, y² बाहर आ रखा और z² बाहर आ रखा, प्लस देखो x² बाहर है, y² बाहर है, जेड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे z³ में है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जेड, और हमारे पास 4x² y² z² इससे पूरा ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, क्योंकि 4 × 2 = 8, x से x, y से y, z से z, हमारा बचा 2x + y + z। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्या है, x³ + 2x² + 3x है, हमें डिवाइड करना इसको 2x से, ठीक है। अब हमें देखना क्या कॉमन है तीनों, भाई x तो कॉमन है तो हम x बाहर ले लेंगे, तो यहाँ तो x² बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ हमारा 3 बचेगा, वो हमारे नीचे कितना है, 2x है, x से x कट गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x² 2x + 3/2। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे यहाँ देखो हमारा क्या है, p³ q³ - p⁴ q³³ और डिवाइड किससे है, p³ और q³ मतलब क्यूब। अब ये p है तो हम क्या करें, p³ बाहर ले लेंगे, p³ और q³ बाहर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ क्यूब है, तो यहाँ की तो बचेगा हमारा q³, क्योंकि p का पूरा बाहर आ गया क्यूब। ओके, और यहाँ 6 पे है तो -p³ और क्यूब बाहर आ गए, और यहाँ पर हमारा p³ - q³ इससे कट गए, आंसर हमारा क्या बचेगा, q³ - p³। ओके, तो ये ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।